बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी अब सरकार को आईना दिखाना शुरू कर दिया है। राबड़ी देवी ने आज सुबह सुबह ही ट्वीट करते हुए बीजेपी और नीतीश कुमार को आड़े हाथ ले लिया। क्या कुछ लिख रही हैं राबड़ी देवी अपने ट्विटर अकाउंट से, हम आपको बताते हैं। आज राबड़ी देवी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, नीतीश भाजपा के कारनामे अस्पतालों में ही नहीं शमशान घाटों में भी 24 घंटे की वेटिंग है। ठीक उसके बाद एक फोटो साझा की है जहां लिखा है, कोरोना से मौत तो दाह संस्कार में 24 घंटे की वेटिंग। आपको बता दें, कोरोना से बढ़ रही मौत की वजह से पटना के शमशान घाटों पर शव के अंतिम संस्कार के लिए जगह की कमी बनी हुई है। बाहर भी शव की लंबी कतार लगी है। बांसघाट के डोम राजा ने बोला कि यहाँ आपने अपने शव को मशीन में जलाइएगा तो आज नहीं कल का नंबर मिलेगा। नगर निगम के कर्मचारियों ने बताया कि सुबह से अभी 11 बजे तक कोरोना के 35 शव आ चुके हैं। यहाँ रोज 50 से ऊपर शव के अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो आपने देखा किस तरीके से राबड़ी देवी ने भी सवाल जो है वो उठाए हैं बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के। भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतरी होने का दावा कर रहे हैं, यहाँ तक कि कल नीतीश कुमार ने IGIMS में फ्री इलाज की घोषणा की है उन पेशेंट्स के लिए जो COVID-19 से ग्रसित हैं, उनका पूरा खर्च जो है वो बिहार सरकार उठाएगी। मगर उसके बाद भी विपक्ष जो है लगातार सवाल जो है वो दाग रहा है। तेजस्वी यादव ने आज फिर से NDA सरकार को घेरा और पूछा कि बिहार के जो सांसद हैं वो क्या कर रहे हैं, जब इतनी बड़ी आपदा है तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करके बिहार में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा करवाते हैं। लगातार आपको बता दें कि बिहार में कोरोना के मामले जो है हर दिन रिकॉर्ड छूता जा रहा है, हर दिन बिहार के लिए मुश्किल होता जा रहा है। ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल रहा है, दवाइयाँ जो है वो नहीं मिल रही है। और इस बीच राबड़ी देवी हो या फिर तेजस्वी यादव हो या फिर उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हो, लगातार ही सरकार को जो है वो घेर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर 15 साल से आपकी सरकार है, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों नहीं ठीक हुई। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ये भी कहते हैं कि 15 साल से अब ज़्यादा हो गया उनको, अब तक क्यों नहीं बिहार जो है अच्छा मेडिकल फैसिलिटी बिहार में क्यों नहीं आ सका। ये तमाम सवाल जो है विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। और वहीं राज्य सरकार जो है लगातार काम को बेहतर करने के लिए हर दिन नए फैसले लिए जा रहे हैं, हर दिन बैठक की जा रही है। यहाँ तक कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तस्वीर जब सामने निकल के आ रही है तो वो तस्वीर जो है दिल दहला देने वाली है कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुलती जा रही है। अब देखना ये होगा कि इस तरीके से विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, क्या विपक्ष के दबाव में राज्य सरकार जो है वो बेहतर काम करेगी, क्या मंगल पांडे दुरुस्त कर पाएंगे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को, और क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई कड़े आदेश देंगे बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के, बिहार के अस्पतालों को बेहतर करने के लिए क्या कुछ कोशिश की जाएगी, ये देखना अहम हो जाएगा। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुँच सके।